नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। 1 जुलाई को पूरे देश भर में नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया। इसके उपलक्ष में आज 2 जुलाई को डेयरी फार्म कम्युनिटी हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजय बैरागी, अंडमान एंड निकोबार और उनके साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अजय बैरागी ने सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क और फल बांटे। साथ ही डेयरी फार्म पीएचसी के डॉक्टर नवनीत और उनके सहयोगियों को अजय बैरागी के हाथों शॉल पहनाया गया। हमारे संवाददाता रोहित को अजय बैरागी जी ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजय बैरागी जी आज के प्रोग्राम के बारे में हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं। आप सबको नमस्कार। सब जानते हैं COVID-19 का सेकेंड वेव से हम सभी देशवासी जुड़ रहे हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर हम देखेंगे, पिछली बार भी जब COVID-19 को हमारे सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वीपों के हर एक जरूरतमंदों का ध्यान रखते उनका सेवा करने का प्रयास किया। कोरोना वायरस को सम्मान करके उनको हौसला बढ़ाने के लिए कई तरह का कार्य किया। उसमें जो हमारा सफाई कर्मचारी उनको भी हर समय उनको हौसला बढ़ाने का और उनको सम्मान करने का काम किया। आज इस वक्त हम लोग डेयरी फार्म में हैं। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मचारी कार्यकर्ता मेरे भाई बहन साथ में मौजूद है। आज अभी डेयरी फार्म में यहाँ पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर राव जी का यह है, सभी बड़े पदवी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अभी भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो हमारे सफाई का कर्मचारी म्यूनिसिपल उन भाइयों और बहनों को भी मास्क, सैनिटाइजर और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करके मसला बढ़ाया गया किया गया। आज इस दिशा में पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई तरह का कार्य चल रहा है। सेवा का, रेशन किट्स का हो, आपका मास्क हो, सैनिटाइजर हो और अन्य बहुत सारे काम, स्टैंडर्ड आइलैंडर्स हो, स्टैंडर्ड अंडर आइलैंडर्स हो, रेशन का हो, कई सारा डेड बॉडी हमें इसका सामना करना पड़ता। लॉकडाउन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, प्रशासन का भी बहुत अच्छा एक स्टेप और एक बहुत अच्छा प्रयास और मदद लोगों को मिल रहा है। खास करके वैक्सीनेशन में भी देखेंगे तो अंडमान निकोबार में देश के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन इस दिशा में इतना जल्दी हो सके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनताओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, उसके लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूँ। खास करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको अपना प्राइम ड्यूटी सोचकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना जीवन का परवाह नहीं किया और आपने देखा होगा बहुत दुखद बात है कि कई कार्यकर्ता हमारा इस बार। साथ ही डॉक्टर नवनीत से भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे कोविड के बारे में तो आइए डॉक्टर नवनीत जी से जानकारी। नमस्कार सर, निवासियों को मेरा तेरे से नमस्कार। देखिए कोविड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आजकल सबको अवेलेबल है, बट कुछ कुछ बेसिक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है। अब तो बाकी वैक्सीनेशन GNLR में डेयरी फार्म और लेडो के अलावा बाकी वैक्सीनेशन सेंटर्स भी आसपास के खोल रहे हैं। तो सबसे पहला निवेदन लोगों से यही रहेगा कि प्लीज़ बेझिझक होकर जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। दूसरा चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो हम लोग ऑन ग्राउंड देखते हैं
अचानक से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है सर आज के टाइम पे, मतलब ऐसे कि ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर किसी को कोई वैक्सीनेटेड होगा नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। बहुत लोग हैं खासकर 18 टू 45 वाले एज ग्रुप है, इसमें बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इसलिए बहुत लोग क्या होता है कि लंबी लाइन में आते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं और फिर हताश हो जाते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं। यार ऐसा नहीं है, ये लंबा टाइम चलने वाला और मतलब काफ़ी दिन चलेगा ये वैक्सीनेशन, तो प्लीज़ आराम से बैठिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब अपना स्लॉट बुक कराइए और स्लॉट बुक करा के लेके वैक्सीन ज़रूर लें। दूसरा, जब भी आप वैक्सीन सेंटर में जाएंगे, ये ऑन ग्राउंड मैंने देखा है कि इतना सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये मतलब उल्टा हमी को हार्म करेगा। मतलब पर्पज़ ये था वैक्सीनेशन का कि डिसीज़ कंट्रोल हो, बट इतना ज़्यादा भीड़ भड़का में देखिए आप खुद अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो ये एक इशू है जो मेरे को लगा कि ऑन ग्राउंड थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए, और वैक्सीन ज़रूर लगाएं, टाइम स्लॉट के हिसाब से जाके लगाएं, और उसके अतिरिक्त इस चीज़ पर ध्यान रखें कि जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो किया जाए। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल आजकल सबको बताया सर, मतलब बेसिक जो हम लोग को मास्क पहनना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हो सके तो सैनिटाइजर तो बॉटल्स आजकल अवेलेबल है, छोटे बॉटल्स किट बॉटल्स अवेलेबल है, वो अपने साथ रखिए, तो बेसिक चीज़ें वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं और आपका वैक्सीनेशन हो जाता है तो देखिए पहले ही आपका बहुत कुछ हो, मतलब पहले ही आपका प्रिवेंशन स्टेज में बहुत बढ़िया हो जाएगा, एंड वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कोविड से बचने का। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।